आगरमालवा पुलिस के द्वारा 24 दिन के अंदर अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझाकर मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी रंजीत सिंगार का पुष्प देकर किया स्वागत। आपको बता दें कि क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मृतक को भारी पड़ा अपनी तीसरी पत्नी की बहन यानी कि साली से अवैध संबंध रखना। आपको बता दें कि साली की सुहाग रात के दिन ही मृतक ने दूल्हे को साली से दूर रहने के लिए फोन किया था और मृतक के फोन से सन्न हुए दूल्हे ने फिर मृतक की हत्या की साजिश रची और फिर मौका पाकर अपने साथी के साथ मृतक की हत्या कर दी। आगर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। ग्राम निपानी बैजनाथ में दिनांक 1 दिसंबर 2021 के साय 9 बजे के आसपास मृतक नूर मोहम्मद की चाकू गोंदकर हत्या कर दी गई। ये अंधा कत्ल था और इसमें मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया आरोपी के लिए और साथ में एडीसी एसपी श्री नवल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में साइबर और थाना प्रमुख रणजीत सिंगार और उनकी टीम को लगाया। इसमें काफ़ी अनुसंधान के सभी पहलुओं पर अध्ययन करते हुए अनुसंधान टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जो मृतक नूर मोहम्मद इनकी इन्होंने 3 शादियां की थी। इनकी जो तीसरी पत्नी गंगापुर की रहने वाली है और इन्हीं की एक साली छोटी साली उसकी शादी बड़ौद हुई थी 30 नवंबर 2020 में सोहेल के साथ में। तो सोहेल की जब शादी हुई तो ये बात सामने आई कि कहीं इन नूर मोहम्मद के पहले से उसके शारीरिक संबंध थे। इसके चलते ये बार बार बात आ रही थी कि चूंकि ये उनके जहाँ उन्होंने आना जाना नहीं छोड़ा। फिर घटनाक्रम को नूर मोहम्मद की पत्नी और सोहेल की पत्नी दोनों गोद भराई के लिए गंगापुर गए तो इन्होंने इसका मौका की तलाश में जो थे कि चूंकि ऐसा मौका मिला क्योंकि व्यक्ति लगातार आहत हो गया था कि ये हमारा पत्नी का लगातार पीछा कर रहे हैं और लगातार संपर्क में है और कहने के बावजूद भी संपर्क जो है नहीं तोड़ रहे हैं। इस पर से आरोपी सोहेल और उनके चचेरे भाई जाफर के द्वारा 9 बजे के आसपास गंगापुर में जब दोनों इनकी पत्नी और मृतक की पत्नी थी तो ये इन्होंने ये प्लान बनाया कि अकेला होगा और ये मौके पर पहुँचे तो इन्होंने दोनों ने उसकी हत्या कर दी। और मौके पर एक जो इनका जो मटेरियल यूज किया जाता है छुरा वही छोड़ के और एक गुत्थी लेकर ये वहाँ से भाग निकले। बाद में इन्होंने गुत्थी को जा फेंका, एक जो ग्लव्स था उनका वहीं रह गया था घटनास्थल पर, एक ग्लव्स जो है हमारी टीम के द्वारा मौके से जब्त किया जहाँ गुप्ति मिली थी। साथ में ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और जो आला जज ने उपयोग किया था वो बरामद किया है, मोटरसाइकिल यूज ही उसका बरामद किया है। इस प्रकार एक अंधे कत्ल का जो है पुलिस के द्वारा बहुत बारीकी से अनुसंधान करके ये दोनों आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की गई है।